friends, welcome all of you. Excellence Knowledge Point में आपका स्वागत है. आइए आज हम क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर 10 का पार्ट 2 लाइट का आपको बताते हैं. पिछले सेशन में मैं बता चुका हूँ, उसके आगे आपका है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना. प्लेन मिरर जो होता है उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. ठीक है, मैंने एक यहाँ पे फिगर बना दिया है. ये आपका मिरर M1 M2 है, प्लेन मिरर. और एक ऑब्जेक्ट O यहाँ पर रखा हुआ है. यहाँ से जब रेज निकलती है, एक रेज जो B पर आकर पड़ती है और दूसरी रेज जो लंबवत या परपेंडिकुलर आकर के A पॉइंट पर पड़ रही है मिरर के. इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये जो रेज AO है, ये रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद सीधे उसी अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है. और जबकि रेज OB परावर्तन के बाद, रिफ्लेक्टन के बाद OD मार्ग पर चली जाती है. और इस तरह जब हम रेज OD को आगे बढ़ाते हैं और रेज A आई को आगे बढ़ाते जाते हैं, तो ये आई पर एक दूसरे को आकर के काटती हैं और बिंदु ओ का ये प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितने पर वस्तु रखी होती है. ये देखिए, जब बिंदु बी पर रेस पड़ रही है तो ये आपका एंगल आई हुआ, ये एंगल आर हुआ. ठीक है, क्योंकि अपनी मैं पिछले में आपको बता चुका था कि समतल दर्पण जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं और रिफ्लेक्ट होने के बाद यदि उस पर हम जहाँ पर किरणें गिर आके पड़ती हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं. उस पर अगर एक नॉर्मल खींच लें, अभिलंब खींच लें, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को हम लोग आई से तथा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने एंगल को आर से व्यक्त करते हैं. तो ये आपका आर हो गया और आई इक्वल टू आर होता है. ठीक है, तो इस तरह हमने देख रहे हैं कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है वो वस्तु से जितनी दूरी पर रखा होगा दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा. ठीक है, तो देखिए आगे से हमने यहाँ पे नोट्स बना दिए आप लोगों के लिए. इस नोट से आप लोग और नोट्स तैयार कर सकते हैं अपना. पहला, समतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी सीधा तथा दर्पण के लंबवत ठीक पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है. और ये जान लीजिए, हमेशा समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है, इमेज होती है, वो हमेशा आभासी होती है. उसको कभी किसी पर्दे पर लिया नहीं जा सकता. अर्थात यदि हम वस्तु के दर्पण से दूर हटाएं, यदि हम वस्तु को दर्पण से दूर हटाएं या दर्पण के पास लाएं, तो प्रतिबिंब भी उतनी ही दूर दर्पण से हट जाएगा या दर्पण के पास आ जाएगा. यदि वस्तु को आप दर्पण के पास ले जाते हैं तो प्रतिबिंब वस्तु दर्पण के पास आएगा. यदि हम किसी वेग से दर्पण की ओर या दर्पण से दूर दौड़ें तो हम अपना स्वयं का प्रतिबिंब दुगने वेग से अपनी ओर आता या अपने से दूर जाता दिखाई देगा. ठीक है, यानी अगर आप किसी भी समतल दर्पण के सामने 1 मीटर प्रति मिनट की दर से चल रहे हैं तो आपको अपना प्रतिबिंब 2 मीटर प्रति मिनट की दर से आपकी ओर आता दिखाई देगा. नंबर 2, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है. वस्तु जितने भी, मैं पहले बता दिया कि वस्तु जितने भी बड़ी होगी उतने ही बड़ी वस्तु का प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा. तीसरा, समतल दर्पण में सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है. व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए. समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, यानी समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई जो है वो व्यक्ति की ऊंचाई बटे 2. किसी भी व्यक्ति को अगर उसकी पूरे का पूरा इमेज किसी समतल दर्पण हमें देखना है तो उस मिरर की जो ऊंचाई होनी चाहिए वो व्यक्ति के ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए या उससे बड़ी होनी चाहिए. अक्सर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी भी इस तरह पूछा जाता है
तो जिस भी वस्तु या व्यक्ति की ऊंचाई दी रही हो दी गई हो तो आप तुरंत उसकी ऊंचाई की आधी ऊंचाई का मिरर आप ले लीजिए, तो उस व्यक्ति का पूरा इमेज या प्रतिबिंब दर्पण उस समतल दर्पण में दिखाई देगा। नेक्स्ट है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर के बारे में हमको बता देते हैं। देखिए जो गोली दर्पण बनाया जाता है वो किसी खोखले गोले को काट करके बनाया जाता है। अब खोखले गोले को जब हम काट देते हैं, काटने के बाद उसके किसी एक तल में आयरन ऑक्साइड की या चांदी की कलई कर दी जाती है। कलई करने के बाद वो हमारा परावर्तक तल बन जाता है। जैसे देखिए गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है जिसके एक तल पर पारे या चांदी की कलई पॉलिश करके उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट कर दिया जाता है, दूसरा तल परावर्तक हो जाता है जो चमकदार होता है। देखिए अगर हम किसी भी खोखले गोले को काट करके उसके ऊपर वाले भाग में आप कलई कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, और उसका अंदर का जो भाग होता है जब वो परावर्तक तल होता है तब हम उसे कहते हैं अवतल दर्पण। अवतल जो अवतल तल होता है उससे परावर्तन होता है, इसलिए हम उसे कहते हैं अवतल दर्पण, यानी दबा हुआ तल होता है उससे परावर्तन होता है, इसलिए हम लोग उसे कहते हैं। देखिए आपको मैंने पूरा वीडियो में दिखा रहा हूँ बना के, इसके देखिए यहाँ पर जो अवतल है जो दबा हुआ तल उससे परावर्तन का कार्य होता है और इसके उभरे हुए भाग पर कलई कर दी जाती है, इसलिए यह अवतल दर्पण। दूसरा आपका है देखिए ये काट करके ये पोर्शन काट दिया गया, यहाँ से काटने के बाद इसके अंदर वाले भाग पर कलई कर दी गई और परावर्तन जो प्रकाशीय किरणों का परावर्तन होता है वो उभरे हुए तल से होता है जिसे उत्तल कहते हैं, उत्तल तल होता है, अतः इसीलिए इसको हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। तो दर्पण दो तरह के हो गए आप देख रहे हैं, एक आपका होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। तो अब गोली दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो गोली दर्पण निम्न दो प्रकार के होते हैं, पहला जैसे देख लीजिए अवतल दर्पण, क्या है आपका अवतल दर्पण, इसे इंग्लिश में कॉनकेव मिरर कहते हैं। यह गोली दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ होता है अर्थात अंदर की ओर धंसा हो अवतल दर्पण कहलाता है। इस दर्पण में उभरे हुए पृष्ठ उत्तल पृष्ठ पर कलई की होती है, जैसे मैं अभी पहले बता दिया। इसके बाद दूसरा है उत्तल दर्पण कॉनकेव मिरर, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ बाहर की ओर उठा हो उत्तल दर्पण कहलाता है। बता दिया जिसका तल परावर्तक तल जो है उभरा हुआ हो उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। इस दर्पण में दबे हुए पृष्ठ अवतल पृष्ठ पर कलई या पॉलिश की हुई होती है, जैसा देखिए आपका ये वीडियो में ये है। यहाँ पर ये देखिए इसके ऊपर उभरे हुए भाग पर कलई कर दी गई है और इसका अंदर का जो भाग है जो दबा हुआ भाग है वहाँ पर प्रकाशीय किरण आ रही है और फिर चली जा रही है। तो इस तरह जब दबे हुए भाग से परावर्तन होता है तब हम उसे अवतल दर्पण कहते हैं, जबकि उत्तल दर्पण में क्या होता है कि दबे हुए भाग में कलई कर दी जाती है, पॉलिश कर दी जाती है और परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, तो हम इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट आगे हम अगले वीडियो में बताएंगे। आप थैंक यू।